अंधेरे सा कमरा, मंच पर तेज रोशनी का गोला, एक व्यक्ति आएगा और अंग्रेजी हिंदी के गठजोड़ से कुछ वाक्य बोलेगा, कोई परिस्थिति बताएगा और चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन के भाव लाएगा और अचानक कोई भद्दी गाली देगा। सामने की भीड़ सियारों वाली आवाज में हो हो करके चीयर करेगी और ठहाकों से कमरा भर जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी की। ऐसे ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल चर्चा में है, नाम है सुरलीन कौर। इन्होंने अपने शो में ऐसा किया कि पहले तो इस्कॉन और पॉन को राइम किया और फिर धीरे धीरे पूरी भारतीय संस्कृति को ही उसमें लपेट लिया। और क्योंकि बात किसी एक कम्युनिटी यानी इस्कॉन कम्युनिटी की थी, तो उन्होंने सुरलीन कौर और शिमारू नाम के चैनल जहां इसे पब्लिश किया गया था, दोनों पर FIR दर्ज करा दी। अब जब इन्होंने अपने किए पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए, तो घटना में एक अजीब मोड़ आ गया जिसकी शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हुआ यूँ कि इस्कॉन ने इस मुआफ़ी को प्रोपोगंडा बताते हुए कार्यवाही को जारी रखने का फैसला लिया। दरअसल इस्कॉन का कहना है कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाना और फेमस होना कॉमेडियंस के लिए फैशन बन चुका है और इन्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया है। There is constant narrative building against सनातन धर्म through social media, films, series, comedy, etc. कोई भी आता है घंटा बजा के जाता है, but no more. इस्कॉन has taken it very seriously and we will make sure that it does not go unpunished. There is constant and consistent attack on our educational systems, family structure, and attempt to lower the role models through social media, films, serials, TikTok, etc. ISKCON will take any attempt of this false narration building against it seriously, and we will take legal recourse for justice. This attempt to systematically destroy and pollute minds of our youths is a serious matter, and we Indian should be alert about this. बताते चलें कि स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी विधा है जो पिछले कुछ सालों में तेजी से लोकप्रिय हुई है। इसका दर्शक वर्ग है जो अंधेरे में रहता है, और वो है, इसका पता भी कभी कभी चल पाता है जब आर्टिस्ट सामने से आ रही धीमी या ज्यादा ही तेज प्रतिक्रिया पर उन्हें ही गरियाने लगता है। दरअसल भारत में बढ़ रहे कॉर्पोरेट कल्चर के मारे ऑफिस के उबाऊ माहौल से तंग आकर और काम के दबाव से पिछे पड़े लोग या कुछ विचारहीन नवोदित धनाढ़ वीकेंड्स पर हाथ में बियर पकड़े यहाँ आते देखे जा सकते हैं। कंपनियां खुद अपने कर्मचारियों को रियायती दरों पर इन शोज के टिकट्स उपलब्ध कराती हैं, जहां आकर ही अपने जीवन की सार्थकता का एहसास करते हैं। कॉमेडियंस भी अपने कंटेंट में इस दर्शक वर्ग का पूरा ख्याल रखते हैं। गंदे मखौल और भद्दी गालियों से लबरेज इनका कॉन्टेंट दरअसल इनके दर्शक वर्ग को क्षणिक आराम देता है। आपको इन कॉमेडियंस को सुनकर अक्सर ऐसा लगेगा कि दुनिया में जो भी घटिया है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जो अच्छा है वो सच नहीं बल्कि एक ढोंग है। और स्टीरियोटाइप करने में तो इनका कोई सानी नहीं, जिसका सबसे आसान शिकार होता है हिंदू धर्म एवं उसकी मान्यताएं, क्योंकि इसके अनुयायियों की सामूहिक चेतना सैकड़ों वर्षों से सेक्युलरिज्म की गोलियां खिला खिला कर सुलाई जा रही हैं और क्या पता मर भी गई हैं। आप भी वक्त पर सोइए और वक्त पर जागिए, और साथ ही देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।